हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे बब तुम यहाँ निखिल मल्होत्रा से ही मिलने आई हो? हाँ, क्यों? कुछ नहीं। ओके, आई गॉट इट। तुम सोच रही हो कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया, राइट? अभी पता चल जाएगा। अच्छा बताओ, तुम्हारा फ्रेंड निखिल मल्होत्रा ग्लोबल कंप्यूटर्स में काम करता है, राइट? राइट, 5 feet 10 inches, राइट, कंप्लेक्शन फेयर, दैट मीन्स हम दोनों सही जगह पे आए हैं, राइट? अच्छा, तुम निखिल की क्लोज फ्रेंड हो, है ना? हाँ। तो तुमसे एक बात पूछूं, निखिल ने यहाँ कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई है ना? नहीं। आई न्यू इट, वो मेरे अलावा किसी और पे चाह ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। गुस्सा होने का क्या हक है? निखिल की अपनी जिंदगी है, वो जिसके साथ बिताना चाहे बिता सकता है, जिसके साथ डिनर चाहे कर सकता है, जिसके साथ फिल्म देखना चाहे देख सकता है। मुझे जलन क्यों हो रही है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो कुछ दिन में उसे डिवोर्स देने वाली हूं। मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर निखिल को कोई अच्छी लड़की मिलती है तो मुझे तो अच्छा लगेगा, खुशी होगी मुझे। अरे आराम से ज्यादा वेट मत डालो पैर के ऊपर। चलो आओ। I'm fine. मामूली सा फ्रैक्चर ही तो है निखिल। मामूली सा फ्रैक्चर, पता है डॉक्टर ने क्या कहा? उसने तुम्हें 15 दिन बेड रेस्ट करने के लिए कहा। 15 दिन? Yes, ma'am, आपने बिल्कुल सही सुना। 15 days. आओ। Oh no, I just can't take it. I hate it, Nikhil. But I love it. आओ आराम से बैठो। कम से कम इसी बहाने तुम्हारा वापस जाने का प्रोग्राम तो चेंज होगा। तो तुम नहीं चाहते कि मैं वापस जाऊँ? Of course not, यार। इतने महीनों के बाद तुम्हारा चक्कर लगाया यहाँ पर। हाँ, अगर मैं तुम्हारे पीछे नहीं आती तुम तो मुझे भूल ही गए थे। तुम्हें कोई भूल सकता है क्या? तुम मुझे याद करते थे? Of course, Annie. जब भी मैं रास्ते में किसी मोटी लड़की को जाते हुए देखता था तो मैं तुम्हें हमेशा याद करता था। क्या? तुमने मुझे मोटी कहा? अरे Annie, Annie, आराम से, क्या कर रही हो? अपनी दूसरी टांग तुड़वानी है क्या? मेरी टांग है, तुड़वाऊं या जो मर्जी करो, तुम्हें इससे क्या? नहीं,
मैं तो तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सोच के परेशान हो रहा था। बेचारा अपनी लंगड़ी बीवी को लेकर कहाँ कहाँ घूमेगा। निखिल तुम बहुत बुरे हो। लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। रहने दो, अब मस्का मत लगाओ। आई स्वेयर तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। अच्छा कितनी अच्छी हूँ? लावण्य से थोड़ी सी कम। अब ये लावण्य कौन है? लावण्य मेरी बीवी। घर में अंधेरा मतलब लावण्य और भाई अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। उन्हें फोन करके पूछो कहाँ है वो। अरे क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? दोनों मियाँ बीवी डिनर के लिए गए, उसके बाद दोनों फिल्म देखने जाएंगे। दादा एंजॉय कैंडल डिनर बॉल रूम डांस एक दूसरे के साथ में फिल्म देखना हाउ रोमांटिक। तान्या आर यू फीलिंग ऑलराइट? क्यों मुझे क्या हुआ? नहीं जर्नलिस्ट तान्या मल्होत्रा आज प्यार और रोमांस की बात कर रही है इसलिए। जर्नलिस्ट इंसान नहीं होते क्या? होते हैं लेकिन तान्या मल्होत्रा सिर्फ जर्नलिस्ट है, सिर्फ एक जर्नलिस्ट। एक्सक्यूज मी जर्नलिस्ट के साथ साथ मैं एक लड़की भी हूँ। कभी अपनी आंखें खोलकर देखोगे तो ये बात समझ में आएगी। कौन सी बात? यही कि लावण्य। अरे लावण्य तुम कब आए? थोड़ी देर पहले। भाई कहाँ है? एक्चुअली निखिल के ऑफिस से फोन आ गया था तो उसे जरूरी काम से जाना पड़ा। हाउ वाज योर मूवी? भाई तो इमोशनल सीन्स देखकर जरूर रोया होगा ना? हाँ बहुत इमोशनल फिल्म थी इसीलिए तो आधी फिल्म में उठ के चला गया। भाई को तो लड़की होना चाहिए था, थोड़ा सा कोई इमोशनल सीन आ जाए बस वही शुरू हो जाएगा। निखिल ऑफिस ही गया है ना? हाँ और कहाँ जाएगा वो। हेलो हाँ निखिल कहाँ हो तुम? ओह कब तक आओगे? हाँ बता दूंगा। नहीं हो सकता उसका सेल फोन ऑफ। ओके बाय। तान्या एक एक कप चाय हो जाए? हाँ श्योर। निखिल का फोन था, पूछ रहा था कि तुम आज डिनर के लिए क्यों नहीं। वो एक्चुअली मैं और तुम्हारा सेल फोन भी ऑफ है, वो कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा है। और ये एनी कौन है? मुझे क्या पता, कोई भी हो। निखिल की अपनी जिंदगी है ना, जिसके साथ बिताना चाहे बिता सकता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं कौन होती। लावण्य 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 सो गई थी? नहीं। लावण्य तुम्हारा फोन काम नहीं कर रहा क्या? क्यों? मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ। मेरा नंबर? तुम डिनर पे नहीं आई ना तो मेरी जरूरत थी क्या? सुबह तो बात हुई थी कि हम लोग साथ मिलकर डिनर करेंगे फिर मूवी देखने के लिए जाएंगे। तो तुमने देखी मूवी? मूवी ओह गॉड मूवी देख कर आ रहा हूँ। वैसे भी अच्छा हुआ तुम नहीं आए, तुम्हारी शाम खराब हो जाती। अच्छा 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 मेरी शाम खराब होती या तुम्हारी? मेरी शाम तो पता नहीं। लावण्य पता है क्या हुआ आज? अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। लावण्य मेरी बात तो सुनो, सो जाना। लावण्य तुम्हें याद है मैं तुम्हें ईमेल भेजा करता था किसी एनी के बारे में? एनी? हाँ एनी, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, शी इज इन बॉम्बे। आज सुबह सुबह मेरे ऑफिस पहुंच के इज्जत करने लगी कि साथ में डिनर करेंगे। अच्छा तो तुम गए उसके साथ डिनर? अरे कहाँ, सोचा था कि तुम वहां पर आओगी, साथ में मिलकर डिनर करेंगे फिर मूवी देखने के लिए जाएंगे। तुम तो वहां पर आई नहीं, एनी गिर गई और उसने अपनी टांग तोड़ डाली। क्या बात कर रहे हो, वो गिर गई उसकी टांग टूट गई? ओह तुम उसे डॉक्टर के पास ले गए या नहीं? हाँ बहुत दर्द हुआ होगा ना बेचारी को निखिल। प्लास्टर चढ़वाते वक्त भी काफी चिल्ला रही थी वो। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा था ना निखिल? ऑफ कोर्स शी इज माय फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड? नो बेस्ट फ्रेंड। वैसे कॉलेज में सब लोग हमें लव बर्ड्स कहा करते थे, उन्हें लगता था कि हम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। लगता था या तुम दोनों के बीच कुछ?
तुम्हें जलन हो रही है? मुझे क्यों जलन होगी, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो करो। अरे बाबा, आई वॉज जस्ट जोकिंग। हम दोनों के बीच में कोई अफेयर शफेयर नहीं था। ओके, गुड नाइट। वैसे बाय द वे, अगर तुम मुझे नहीं मिली होती ना, तो मैं इन्हीं से शादी कर लेता। मैं भी देखती हूँ वकील साहब, तुम कब तक नहीं लौटते। बर्थडे तो मैं तुम्हारा मना कर ही रहूंगी। किसके बर्थडे की तैयारी हो रही है? आज डेट क्या है? आज डेट है 31 मई। तो आज तो शेखर का बर्थडे है। फॉरगेट, मैं उसे विश कर। अरे विश तो तब करूंगी जब शेखर घर पे होगा ना। मतलब कहाँ गया वो? पता नहीं सुबह से कहाँ गायब है ये शेखर। को भी पता नहीं कि एलर्जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने से, हमेशा ऐसे करता है। वजह जो भी, बर्थडे तो मैं उसका मनाऊंगी, चाहे उसे ऑफिस से घसीट कर क्यों नहीं लेके आना पड़े। Hey, I'm the buddy boy. Thanks. Many happy return day. Thank you. अबे भाई, thanks मुझे। अगर मैं तुझे यहाँ पर नहीं लेकर आया होता ना, तो इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ गले मिलने का मौका नहीं मिलता। Hi. Sorry बाबा, तू कहाँ चला गया? बस नीचे मार्केट तक गया था यार। झूठ बोल रहा है भाई। आप छोड़ो ये सब। तान्या ने केक रेडी किया, केक काट। यार फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है, तुम लोग चुपचाप चलो वरना टर्नपोक कहेंगे केक काटने के लिए। चलो यार, डराए मत करो ऐसे। पूछा चलो करूं। पूछा ढूंढ के लाऊं मैं, और सबसे पहले केक खिलाएगा इन दोनों को। अरे तुझे भी खिला दो ना एक मिनट। और मुझे? अरे माँ, आप अचानक मुंबई में क्यों नहीं आ सकते? अरे वैसे भी मुझे आज तो आना ही था, क्योंकि आज तेरा जन्मदिन जो है। माँ नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। ये ले, काला टीका लगा दिया ताकि तुझे किसी की नजर ना लग जाए। माँ आप अच्छा किया आंटी, क्योंकि काफी लोगों की शेखर पे नजर है। होगी भी, क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है। ले सबको मिठाई खिला ना, मोतीचूर के लड्डू। आप लोग मिठाई खाइए, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, तुमने तो केक भी नहीं खाया। एक्चुअली एनी वेट कर रही होगी, अकेली है ना। मैं एनी के साथ। ये एनी कौन है? पार्टी मेरी दोस्त है, वैसे से आई। कौन है? बिटिया दरवाजा खोलिए ना। काका मैं काम कर रही हूँ। बाद में कर लीजिएगा, पहले खाना तो खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है काका, थैंक यू वेरी मच, आप खाना रख दीजिए। देखिए खाना समय से नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी ना। मैंने कहा ना काका, मैं बाद में खा लूंगी, थैंक यू, आप प्लीज जाइए। काका मैंने आपसे कहा ना। काका सॉरी, मुझे लगा काका है। थैंक गॉड तुम्हारे हाथ में कोई चाकू वाकू नहीं था, वरना। ऐसे बाय द वे, ये पेंट ब्रश लेकर तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं। वाओ नाइस पेंटिंग निकल। तुम लावण्या, तुमने कभी भी इस टैलेंट के बारे में नहीं बताया। मजाक उड़ाने के लिए थैंक यू वेरी मच, मैं अभी समझ गई। लावण्या आई एम सीरियस, मैं तुम्हारी इस पेंटिंग का मजाक नहीं उड़ा रहा। लावण्या इस पेंटिंग में इसमें एक कैरेक्टर है, ये देखो ऐसा लगता है जैसे। लावण्या लेकिन बन सकती हो, तुम्हारे में एक अच्छा पेंटर बनने की काबिलियत है। रियली थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं पेंटर नहीं बनना चाहती। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें सैंडी की याद आएगी इसलिए। निखिल प्लीज। लावण्या तुम्हारे में एक अच्छा पेंटर बनने का टैलेंट है, लेकिन अगर तुम उस टैलेंट को सिर्फ सैंडी की वजह से दबाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी तुम सैंडी को याद करना चाहती हो तो। अब तुम्हें सैंडी से क्या प्रॉब्लम होगी? मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं तो मैं तो पेंटिंग कर। अरे हाँ, मैं जो बात बताने के लिए तुम्हें यहाँ पर आया था वो तो मैं भूल ही गया। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ एनी को सी ऑफ करने के लिए। एनी को सी ऑफ करने वो कहीं जा रही है? जिस प्रोजेक्ट के लिए वो यहाँ पर आई थी वो खत्म हो गया है, आज शाम की फ्लाइट है। इसका मतलब एनी यहाँ रहने नहीं आई थी? नहीं क्यों?
नहीं, मुझे लगा कि वो शायद वो क्या लगा लावण्य? कुछ नहीं, तुम एयरपोर्ट से कब तक आओगे? 8 बजे तक। तुम एक काम करो, शाम को तुम तैयार होकर बैठना, मैं जब वापस आऊंगा तो हम लोग जो पार्टी चले। ओके, तैयार है? एक और बात, तुम्हारे में एक अच्छा पेंटर बनने का टैलेंट है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ऑलराइट? लावण्य, तुम में एक अच्छा पेंटर बनने का टैलेंट है। कैसी लग रही हूं मैं? रियली ब्यूटीफुल। रियली? अब चलो चलते हैं। एक मिनट, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज? क्या है? क्या है नहीं पूछो, कौन है? अच्छा बताओ कौन है। टन टन। पोस्टिंग परमानेंटली मुंबई में होगी और आज से ये यहीं पर रहेगी हमारे साथ।